Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Aashi Khan and welcome to another episode of MBA with Aashi Khan. In this video, I'm going to talk about jin students ne kahin na kahin CMAT ka exam skip kiya. Vaise shuru se abhi tak student CAT, then ZAT, then SNAP, then CMAT, MAT, ye sare exams dete aa rahe hain, but unka एक ट्रिगर पॉइंट था कि यार चलो सीमैट ट्राई कर लेता हूँ, नहीं मिला तो फिर मैं कॉलेजेस देख लूंगा. बट अब सीमैट हो चुका है और उन सीमैट देने वाले बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे थे जो सीमैट नहीं दे पाए. कुछ कई सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उस दिन आपका कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हो, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ ये कि उन्हें महाराष्ट्र उनका सेंटर मिला था बट वहाँ पे बॉर्डर्स सील थे तो यू नो जाने की परमिशन नहीं थी. ऐसी बहुत सारी सिचुएशन स्टूडेंट्स के साथ रही व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स. तो अगर आपने भी सीमैट स्किप आउट कर दिया है तो आपके पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, आप सीटी 2021 टारगेट कर सकते हैं. सीटी 2021 टारगेट करने से टाइम आपको ये सोचना जरूरी है कि आपका हर केस में 99.99 आना है, बिकॉज महाराष्ट्र सीटी जो होता है वो वहाँ के MBA और MMS कॉलेजेस के लिए होता है जो पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं. और बहुत सारा कोटा सिस्टम होता है, स्टेट कोटा, कैटेगरी कोटा, ऑल इंडिया कोटा. वेयर इज अगर हम आपके मन में है कि यार मैं उतना तो स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो आपने इससे पहले कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, लेट्स से कैट दिया होगा, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, कोई बात नहीं. आपने हो सकता है ZAT दिया हो, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, कोई बात नहीं. हो सकता है आपने MAT दिया हो, बहुत अच्छा स्कोर नहीं, कोई बात नहीं. तो उसके बेसिस पे उन तीनों एग्जाम में जो भी आपका स्कोर है, जिसको आप लगाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है आपने कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखे हो और आपको कंफ्यूजन हो कि इनमें से आप किस में जाओ, या फिर अगर मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किए हैं तो मैं और कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जहाँ पे मुझे अभी एडमिशन मिल सकता है, मैं देख सकता हूँ, जहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है. तो उसके लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके आप फिल कर सकते हैं और ये सारी डिटेल्स दे सकते हैं कि आपके शॉर्टलिस्टेड कॉलेज या फिर नॉट शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस को आप कैसे अपनी प्रोफाइल, अपनी स्पेशलाइजेशन, अपने बजट, अपनी लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी गुड डिसीजन फॉर यू टू नाउ at the end of the day analyze and then shortlist your college and finalize your college. So for that you can reach out to the number in the description box. So do share this video with your friends jinhone kahin na kahin aapki tarah CMAT ka exam skip out kiya hai, aur aisi videos ke liye bane raho mere sath. To milte hain ek aur video ke sath. I hope you like this video. For more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.